दोस्तों, आजकल मार्केट में प्रोटीन को लेकर बहुत हाइप है। खासतौर पर वर्कआउट करने वाले लोग प्रोटीन इंटेक पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग प्रोटीन सप्लीमेंट से ही इस कमी को पूरा करते हैं। प्रोटीन की कमी आप हेल्दी डाइट के साथ भी पूरी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या खाकर नेचुरल तरीके से आपके शरीर को जरूरी प्रोटीन मिल सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है मूंगफली। मूंगफली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें लगभग 26 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। आप मूंगफली को सेक कर खा सकते हैं और चाहे तो पीनट बटर भी खा सकते हैं। इसे घर पर बनाना एक हेल्दी आइडिया रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हरी बीन्स। शाकाहारी लोग अपनी डाइट में बीन्स को शामिल कर सकते हैं। बीन्स में फाइबर और प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है। एक कप बीन में तकरीबन 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। आप चाहें तो इसे सैलेड में या फिर सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पनीर। प्रोटीन के लिए बहुत से लोग पनीर भी खाते हैं। पनीर में लगभग 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स होने की वजह से ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। चौथा ऑप्शन है कुल्थी की दाल। सभी दालों की तुलना में इस दाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, लगभग 22 ग्राम। ये दाल शक्ति का भंडार है और इसीलिए रेस के घोड़ों को भी इस दाल को खिलाया जाता है। अगर आप इसे अंकुरित करके खाएंगे तो आप इसे आसानी से डाइजेस्ट कर पाएंगे। पांचवा ऑप्शन है काबुली चना। चने को भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। काबुली चने को अंकुरित करके खाना काफी अच्छा माना जाता है। खैर, आप इसे सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। आप इसे उबाल कर इसका सैलेड भी बना सकते हैं। छठा ऑप्शन है चिया सीड्स। आप अपनी डाइट में चिया सीड्स को शामिल करें। इसमें लगभग 4 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ इसमें ओमेगा 3 की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर आपको चिया सीड्स पसंद नहीं तो आप इसकी जगह पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी खा सकते हैं। सातवां ऑप्शन है सोयाबीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसमें तकरीबन 13% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आप चाहें तो सोयाबीन से बना दूध भी पी सकते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, के और आयरन पाया जाता है। ये मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप हरी सब्जियां खाएं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स को भी अपने खाने में शामिल करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अंडों का सेवन करें। इसके अलावा चिकन में भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, ये वीडियो सामान्य जानकारियों पर आधारित है। ज्यादा जानकारी के लिए आप विशेषज्ञ से परामर्श लें।